राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त हमीरपुर संदीप कदम ने शिरकत की। बाल विज्ञान सम्मेलन में 16 छात्रों के मॉडल को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट सीनियर्स कंट्री में GM स्कूल नदौन की मोक्षन, RGM स्कूल रैल की नेहा पठानिया, भगवती स्कूल जलाड़ी की श्रेया टोच और हमीरपुर स्कूल की रितिका शर्मा का मॉडल बेस्ट चुना गया। सीनियर अर्बन में मैग्नेट पब्लिक स्कूल की समीक्षा शर्मा, गर्ल्स स्कूल हमीरपुर की रांशी सिंह, गर्ल्स स्कूल की ही अनमोल कुटोच और सुपर मैग्नेट स्कूल हमीरपुर का परव ठाकुर का मॉडल सिलेक्ट किया गया। सीनियर रूलर में महारल स्कूल की आंचल शर्मा, ताल स्कूल की दिव्या कुमारी, राजकीय उच्च पाठशाला बारिंग की कनिका कुमारी का मॉडल बेस्ट चुना गया। सीनियर अर्बन में गर्ल्स स्कूल नदौन की रितिका और ऑक्सफोर्ड स्कूल हमीरपुर की अक्षिता का मॉडल चुना गया। जूनियर रूलर में राजकीय माध्यमिक पाठशाला बकार्टी की अनामिका और जिंदड़ू स्कूल का साहिल कुमार का मॉडल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया। योजना है यहाँ का कार्यक्रम जो लगातार चौबीसा बना हुआ है और ऐसे कार्यक्रमों से विशेषता लोगों में साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग जनरेट होने में बहुत मदद है। आज के समय में रैशनल थिंकिंग की पूरे समाज को, साइंस की पूरे समाज को बहुत जरूरत है। कोई भी देश की जो ताकत है वो कई अलग अलग तरीकों से नापी जाती है। कोई समय तक आप देखते थे कि जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है वो सबसे बड़ा ताकतवर देश है, उसके बाद आया कि किस देश के पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा बड़ी आर्थिक शक्ति है वो सबसे ताकतवर देश है। आज के समय में जिस देश में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल पावर है उसको सबसे ताकतवर देश माना जाता है और जिस देश के पास टेक्नोलॉजिकल पावर होती है, तकनीकी ताकत होती है, उसी देश के पास आर्थिक ताकत भी होती है, उसी देश के पास सामरिक ताकत भी होती है। एक साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा देना जिससे कि यही बच्चे आगे जाकर हमारी तकनीकी ताकत देश की बन पाए, ये बहुत जरूरी है। और इस तरीके की जो साइंस कॉन्फ्रेंस होते हैं उनसे ये चीजें, इन चीजों को बहुत बढ़ावा मिलता है। इसलिए आज के साइंस कांग्रेस के जितने बच्चे सम्मिलित हुए, 3 दिन से यहाँ आप कार्य कर रहे हैं, आप सबको बहुत बधाई और इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आप जीवन में आगे बढ़े और कुछ ना कुछ अचीव करने का जरूर प्रयास करें। इसी के साथ जो मैं आखिरी चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे आप सबको विदित होगा कल से चुनाव अनाउंस हुए हैं और 9 नवम्बर को हमारे यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब भी घर जाए अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास पड़ोसियों को यह जरूर बताएं कि जैसे कि तंत्रज्ञान की देश की ताकत के लिए जरूरत होती है, वैसे ही किसी भी वोट की जरूरत एक लोकतंत्र की ताकत के लिए होती है। तो वोट ना करना यह बहुत गलत बात है, उदासीनता रहना वोट के प्रति यह बहुत गलत बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप घर जाएंगे तो अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास पड़ोसियों को जरूर कहें कि मतदान जरूर करें, जिला स्तर पर भाग लेते हैं और लगभग 511 बच्चे और 117 स्कूलों के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लगभग 6 प्रकार की यहाँ पे साइंस की एक्टिविटीज का आयोजन किया गया, जिनमें जो मेनली था साइंस सर्वे रिपोर्ट्स, साइंस क्यूज, एक्टिविटीज कॉर्नर्स, मैथमेटिक्स ओलंपियाड और साथ में हमारा जो साइंस किट, 6 एक्टिविटीज में इन भी बच्चों ने अपने अपने जो उनके अंदर प्रतिभाएं थी उनको बाखूबी उनका उन्होंने प्रदर्शन किया और मुझे खुशी है ये बताने में कि बहुत से बच्चों ने बहुत बढ़िया मेहनत की थी। उनके जो अध्यापक साथी थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उन कंटेंट्स को उनको टीचर्स द्वारा बच्चों को बताया गया था और उनका जो प्रदर्शन रहा उसको मैं उत्कृष्ट प्रदर्शन कहूंगा। उनके लिए उनके मैं साइंस टीचर्स को और लेक्चर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा।